Hi guys, this is Manasvi and welcome back to my YouTube channel. Last part में हमने देखा जंगल वाली स्विंग और हमने ट्राई किया बालिनीज ट्रेडिशनल फूड. इस पार्ट में हम एक्सप्लोर करेंगे तेगालालंग राइस टेरेस और किंतामनी. तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द राइस टेरेस. यहाँ पर आपको कोई भी एंट्रेंस फी देने की जरूरत नहीं है, बट अगर यहाँ पे फार्मर्स आपको डोनेशन मांग रहे हैं देन दैट विल बी अराउंड 10,000 IDR और वो भी ऑप्शनल ही है. यहाँ पर भी बालिनीज ट्रेडिशनल फूड ट्राई करने का ऑप्शन है, उसके लिए अलग से पे करना होगा आपको. और अंदर हम देख पाएंगे बाली स्विंग जैसी ही अलग अलग स्विंग्स है यहाँ पे, और फोटोज के लिए सनफ्लावर या नेस्ट ऐसे कुछ बनाए हुए हैं प्रॉप्स, तो वो यूज करके आप फोटोज ले सकते हो. उसके लिए भी अलग से चार्जेस है. तेगालालंग राइस टेरेस सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे तक ओपन होता है. यहाँ पर एटलीस्ट आपको 30 मिनट्स लगेंगे थोड़ा एक्सप्लोर करने के लिए. अगर आप नीचे तक भी नहीं जा रहे हो, शॉर्ट वॉक ले रहे हो, देन दैट विल टेक अराउंड 30 मिनट्स. सो यहाँ पे भी आप मेरे पीछे देख सकते हैं बाली स्विंग जैसा एक स्विंग दिया गया है. 150,000 पर पर्सन IDR. रेंट फ्री है ड्रेस, तो ड्रेस आपको मिल जाएगा. नीचे बहुत ही सुंदर व्यू है राइस टेरेस का. फोटोज निकालने के लिए फिर से ऐसे कुछ प्रॉप्स बनाए हुए हैं, स्टैंड बनाए हैं कि सनफ्लावर एंड अगेन नेस्ट देख सकते हैं हम यहाँ पे. सेम ड्रेसेस दिए गए हैं. यूजुअली यहाँ पे बहुत भीड़ होती है, इसलिए लोग सुबह यहाँ आना प्रेफर करते हैं लाइक बिफोर 9 AM. बट अभी बजे है 4:44 और फिर भी बिल्कुल भीड़ नहीं है. मुझे गिन के 3-4 कपल्स दिख रहे हैं यहाँ और क्लियर व्यू दिख रहा है हमें. एक साइड में धूप है, एक साइड में नहीं है, मतलब जहाँ से हम ट्रैक करते हुए जा रहे हैं कुछ धूप नहीं है. ट्रैक करने के लिए भी यहाँ पर सीढ़ियाँ दी गई हैं अच्छे से बनी हुई, तो उतरने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. तो ऐसी छोटी छोटी सीढ़ियाँ है तो ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होगी आपको नीचे आते वक्त, जैसे ये है. सो आई डोंट थिंक अगर कोई सीनियर हो तो उन्हें ज़्यादा नीचे उतरने की ज़रूरत है. अलस हरम है साइड में, ये नहीं है, आई थिंक इस साइड में है वो, हमें आते आते दिखा था. तो अगर आप बाली स्प्रिंग नहीं जा रहे हो तो अलस हरम भी जा सकते हो, वहाँ पर भी बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है. तो अलस हरम भी सेम ही है जैसे बाली स्विंग है, वहाँ पर भी आपको स्विंग और क्लब्स, ड्रेसेस, फूड सब ऑप्शन है. राइस टेरेस के बाद हम जाते हैं किंतामनी. किंतामनी का मेन अट्रैक्शन है माउंट बतुर वॉल्केनो. यहाँ जिस स्पॉट पर हम अभी खड़े हैं वहाँ से एग्जैक्ट आगे हमें लाइव वॉल्केनो दैट इज माउंट बतुर देखने मिलता है. माउंट बतुर वॉल्केनो उसके सनराइज के लिए काफ़ी फेमस है. वहाँ पर लोग ट्रैक करके सनराइज देखने जाते हैं. अभी हम सनसेट के टाइम पे आए हैं तो यहाँ पर बहुत फॉग हो चुका था और वेदर बहुत ठंडा था. यहीं पे एक कैफे भी था तो हम व्यू देखने के बाद कुछ खाने के लिए रुक गए. और लकीली जब हम यहाँ पर बैठे थे कैफे पूरा खाली था, तभी हमें इंडियन एक्टर आशीष विद्यार्थी भी मिले, जिन्होंने ना ही सिर्फ बॉलीवुड फिल्म्स की हैं बट तमिल, तेलुगु, कन्नडा, मलयालम और बहुत सी फिल्म्स में वर्क किया है. हमने जब यहाँ के स्टाफ को बताया तब उन्हें भी याद आया क्योंकि यहाँ पे बॉलीवुड फिल्म्स काफ़ी फेमस है. And then we took selfies with him. Manasvi, best wishes for your vlog. Thank you so much. और आप किस चीज पर vlog करती हैं? Travel lifestyle. Wonderful, wonderful. Yes. So please support Manasvi and best wishes. Keep sharing great things with people. Yes. बहुत बहुत शुक्रिया. Thanks. So I literally went for a selfie और उन्हें बताया मेरा YouTube channel है and he took this video. That was so unexpected and let's call it a day now. Thanks for watching till the end. Like, share and subscribe to my channel. Until next time, bye bye. How much this is for? Is 22,000. 27,000? Yes. 27,500 for you. Okay. Okay? Yeah. And the price 20,000. 20,000. Okay. Total is 1,56,000. That is Indian rupees mein 848 rupees.